अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। और ये है हमारा किचन, और किचन में आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं खड़े मसाले का कीमा। खड़े मसाले का कीमा बहुत बहुत लजीज डिश होती है, और वो डिश ऐसी होती है कि घरों में खाई जाती है। अच्छा, मटन भी बना सकते हैं आप, बीफ भी बना सकते हैं, लेकिन अमूमन ये बीफ में बनता है। और ये हाथ का कटा हुआ कीमा होता है, यानी हाथ से जो काटते हैं, मशीन का कीमा नहीं होता। लेकिन ये हमारे पास मशीन का कीमा है। हमारे पास हर चीज़ मशीन की है, हम खुद मशीन की, हर चीज़ मशीन की चल रही है। सांदी भी मशीन है, इधर ही मशीन, पूरी ट्रांसमिशन मशीन पर जा रही है, तो कीमा भी मशीन का है। मशीन के बगैर कुछ चल नहीं सकता। तो ये अभी हमने इसमें तेल डाला है। तेल डालने के बाद अब तेल ही हो गया सब कुछ, तो तेल डाला है। तेल डालने के बाद आगे चल रहे हैं, और उसके लिए हम बुलाएंगे सईदा तूबा आमिर को। तशरीफ लाइए। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? मैं बहुत खूबसूरत हूँ। आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यार है। अच्छा, ये हमने इसमें डाल दिया, ये आप इसमें लहसुन डाले। लहसुन डालने के बाद इसको ऐसे ऐसे करके, जब आपके हालात उदास हो तो ऐसे ऐसे करके आप चलाते रहें, सोचते रहे आसमान पर, शौर कहाँ चला गया, आधी रात तक किधर गया, किस साथ बैठा हुआ होगा, ऑफिस से निकल गया था 3 बजे, अब इसी दौर में आपका लहसुन बन जाए। और वैसे मर्द क्या सोचे? मर्द, हाँ मर्द, तो मर्द ये सोचे चलाते हुए, हमारे ये सोचे अरे इमरान सारी कहाँ यार, नजर नहीं आया, और अजीब सोनी भी दिखाई नहीं दे रहा, ये सब लोग कल से गायब है, चक्कर है कुछ। और ये मोइज़ भी अभी अभी आया है। चलो मोइज़ की तो बीवी बीमार है अस्पताल के अंदर, लेकिन बाकी का चक्कर इसी चक्कर में। अच्छा, मोइज़ के जब भी आप ज़्यादा सोचेंगे ना, आपका लहसुन जल जाएगा, जल गया, बच गया। लेकिन देखिए फिर भी आप जो है वो लहसुन लिया, अब आप इसमें डालेंगे कीमा। भाई ये आज इफ्तार में जो हमारे एक्सप्रेस के लोग हैं, हमारी टीम के लोग हैं जी, उन्होंने अगर ये नहीं खाया तो समझ लें कि उन्होंने कभी जिंदगी में कीमा ही नहीं खाया। ये मेरी बेस्ट रेसिपीज में से एक रेसिपी है, नहारी के बाद मेरी बेस्ट रेसिपीज में। आपको खिला चुका मैं? जी जी, मैं खा चुकी हूं। तो बताओ ना कि खिला चुका हूं। हां, मैं यही बताई थी कि बैड लक होगी उनकी जिन्होंने ये मिस कर दिया, ये इतना ये तो बताओ कितने मजे लेने के खाया था जी, कितनी मिर्चें लग रही थी, क्या क्या कैफियत थी, बताएं आप। अच्छा, ये मैंने सबसे पहले इस्लामाबाद में खाया था, उसके बाद फिर कराची में। बताने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा स्टार्ट कर रही हूँ ना कि कहाँ से फर्स्ट टाइम मैंने इसका जायका, फर्स्ट टाइम मैंने टेस्ट किया, बहुत अच्छा। इस्लामाबाद में सबसे पहले खाया था, उसके बाद फिर कराची में, और ये इतना खुशबूदार मसाले, खुशबूदार मसाला तो हाँ। खाया क्या ये बताओ, बहुत अच्छा बना, जायका अच्छा था, बेहतरीन, लज्जत अच्छी थी, लजीज तरीन, जबान के टेस्ट बड्स झूम उठे, बिल्कुल ये वर्ड्स मेरे आपके सारे टेस्ट बड्स उमराव जाने अदा हो गए, रक्स करने लगे, ये कहना चाहिए। उमराव ये क्या था? उमराव जाने अदा एक थी, कुछ छोड़ दो ये। अच्छा, आज मेरे साथ मैचिंग की है, मैंने आपके साथ बहुत पहले मैचिंग कर ली है, कपड़ों मैचिंग के बाद ही तो ये हुआ है, माशाल्लाह से मैचिंग के बाद से मैचिंग हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अभी तक मैच खत्म नहीं हो रहा, अब ये हमने कीमा, अच्छा आप देख रही हैं जी, इसके अंदर जो रंग आ रहे। कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। आमिर भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। हम भी ठीक हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं, आप बताएं। हेलो 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 जी, आमिर भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपसे बात करके, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। अब आप ये देखिए, और भाभी कैसी हैं? भाभी कैसी हैं? भाभी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। भाभी बताए ना, भाभी कैसी? माशाल्लाह से आप बहुत प्यारी लगती हैं हमें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी मछली आप, क्या कह रही हैं? अच्छी लगती है, अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह से। नजर उतारिए करें आप अपनी। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं नजर उतारते, ये उतारते हैं, ये मेरी उतारती है, मैं इनकी नजर उतारता हूँ, और हम दोनों फिर एक दूसरे को सीढ़ियों से उतारते हैं जी, फिर हम घर आए। और आज आप क्या बना रहे हैं? हाँ, ये क्या कह रही है, क्या बना रहे हैं आप? क्या बना रहे हैं? अच्छा, मैं बना रहा हूँ खड़े मसाले कीमा। अभी आप देखिए कि मैंने कीमा हल्का कच्चा, अमित भाई निहारी कब बनाएंगे आप? अरे बता रहा हूँ, पहले ही तो सुन लो, कच्चा पक्का कीमा हमने निकाला, उसके बाद हमने ये निकाल कर अभी हमने डिश में डाल दिया। क्यों डाला ये मैं आपको बताता हूँ, क्यों डाला इसमें। अब ये बन गया है, अब इसमें थोड़ा सा तेल और डालेगा, वक्फा भी ले रहे हैं हम साथ साथ, तेल डालकर अब हम इसमें प्याज ब्राउन करेंगे, फिर ये कीमा दोबारा जाएगा। ये है कुछ कमालात, समझो
कीमा कच्चा पक्का निकाल के बाहर क्यों निकाला है? अखलो अखलो लो 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 फलो। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। हम एक बार फिर हाजिर खिदमत है। हमारा किचन है, शाही किचन है, शाही पकवान है और प्यारा पकवान। अच्छा, अब इसमें जब हम खड़े मसाले कीमा बनाए थे, मैं तुम्हें को बता रहा था कि हमने इसमें पहले कीमा डाला और जब हम बात कर रहे थे कॉलर से तो मैं कीमा बाहर निकाल रहा था। वो कीमा तेल में और कुटा हुआ अदरक है, कुटा हुआ जो लहसुन है उसको हमने शामिल किया। उसमें जो स्वाद लहसुन का आया है वो हमने निकाल कर कच्चा पक्का कीमा था उसे हमने रख दिया। उसके बाद हमने इसमें प्याज डाली, प्याज डाल के हमने उसे ब्राउन की। अब हमने उसमें कीमा डाल दिया। अब आप जरा देखिएगा इसमें आपको खुशबू भी अच्छी आएगी जी, क्योंकि अब ये प्याज अब पूछे तो... मैंने क्यों किया, पूछे क्यों? जब आप लहसुन में पकते हुए कीमा डालते हैं तो फिर भी खाते वक्त आपको हींक आएगी। इसमें अगर हींक आ जाए क्योंकि आपने निकाल लिया, आए आए आई पर, और यार कोयला करे तो कोयला है, कोयला धोनी भी होगा। हाँ, तो अगर ये अगर इसमें आपको हींक आ जाए तो फिर कमाल है जी। यह बन गया, अब ये बनना शुरू हो गया। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले आप इसमें डालेंगी साबुत मिर्च। ठीक है, ये खड़ा मसाले सा जी, ये आपकी कुटी कुटी मिर्च डाल दिए तो बिल्कुल। अब आपने डालना है इसके अंदर ये जीरा, जीरा ठीक है, डाल दिया। अब बंद कर दे, अभी कुछ नहीं करना। ये हर सारा मसाला इसमें एक साथ नहीं डालता, एक साथ नहीं, अलग अलग डालना ही नहीं चाहिए भाई। जो डालते हैं वो नहीं, मैंने तो ये नई चीज देखी कि आपने निकाल के बाहर रखा फ्राई करके, वरना नॉर्मली ऐसा नहीं होता। मरहूम करना जन्नत नसीब करे, आमीन। बड़ी प्यारी खातून थी जुबैदा आपा, उन्होंने मुझे बताई थी बात, बेटा ऐसे किया करो, आमिर बेटा यूं किया करो खाना। बड़ी प्यारी खातून थी, बड़ी प्यारी जबरदस्त खातून। बिल्कुल मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जनाब आमिर भाई, एजाज अली अब्बासी बात कर रहा हूँ पीआईए टाउनशिप से। बहुत कैसे ठीक ठाक, आप सुनाएं, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह करम, आपकी दुआएं, आप बताइए। आपका ये जो खड़े के मसाले का कीमा बना रहे हैं, ये हम जैसों के लिए रमजान में एक बहुत बड़ी नेमत के तौर पर आप वो कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारी फैमिली जो है पंजाब में रहती है, तो अच्छा। हम यहाँ पे अकेले कभी कभी रहना होता है। तो फिर मेरे भाई ट्राई करना, जरूर बनाना। जी जी इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा जी। और आप सुनाए, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। अरे वाह, माशाल्लाह 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 भाई, आप लोग देखते हैं, आप लोग पसंद करते हैं, आपको पसंद आता है, मेरे तो इसमें कोई कमाल ही नहीं है। नहीं, आप जिस चैनल पे भी गए और आपने एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये बात दोबारा रिपीट करो, दोबारा कहो, ये बात दोबारा कहो। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप जिस चैनल पे भी गए हैं, आपने उस चैनल को चार चांद लगा दिए हैं। अब आपने एक्सप्रेस न्यूज को चार चांद लगा दिए हैं। आपकी नशरियात सबसे नंबर वन जा रही है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी मेहरबानी। अच्छा, मैंने इसमें अभी अदरक डाला, अदरक डाल दिया मैंने कुटा हुआ। अदरक डालने के बाद मैंने फिर ढक दिया था। अब मैं इसमें लौंग डाल रहा हूँ, ठीक है ना। लौंग के साथ एक और मसाला है, यानी जो खड़े मसाले में आते हैं, लौंग डालनी इसमें आपने 10-12। ये 10-12 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। ये हाथ का कमाल है, जायका होता है हाथ का, इसमें तो कोई शक नहीं है। जायके नहीं होते। ये देखिए आप, ये बिल्कुल, ये मैंने लौंग डाल दिया। लौंग के साथ मैंने इसमें एक और चीज डाली है, दालचीनी, ठीक है, दालचीनी मैंने डाली है। और इसके साथ मैंने ये हरी मिर्च डाल दी। मैंने इसको फिर अभी देखिए, मैंने फिर भी देख रही है, सारा मसाला नहीं डाल रहा मैं जी। आप थोड़ा थोड़ा वक्त, ये ताकि आपको पता चलेगा ना ये मैं क्यों कर रहा हूँ, पता चलेगा ना आपको। हाँ, ताकि आपको मालूम, मेरे ख्याल में हर चीज का थोड़ा थोड़ा फ्लेवर इसका फ्लेवर जाता है। लोग हर चीज एक साथ डाल देंगे, झगड़ा हो रहा है घर में। आप ही दफ्तर से इस वक्त आए, ये कोई आने का टाइम है, टक्कर के डाल, ये कोई तरीका है टक्कर के डाल दे। ये कहा यार, ये कोई बात, हम यहाँ घर में बैठे खड़े टक्कर, भाई से तो सारा खानी खराब हो गया। तो थोड़ा सा भाई इत्मीनान, सब्र, जैसे भी मुझे एकदम आया काम में, इत्मीनान सब्र, ये जिंदगी में बहुत जरूरी है। और इत्रामात फरावा के जावियों को सामने रखते हुए डिश बनाने के लिए बहुत एहतियाती तकाजों को मलूज़ खातिर रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये डिशें तैयार होती हैं। अगर आप इस तरह से तेज़ी से डालते रहेंगे तो, लेकिन तेज़ी से डालना पड़ता है, ये भी उठा के डालना पड़ता है, ये भी उठा के डालना पड़ता है, दोनों चीज़ें होती हैं। कॉल मौजूद, अस्सलाम वालेकुम। शानदार, आमिर भाई खैरियत से हैं आप? ठीक है, बिल्कुल खैरियत हूँ, आप बताएं जी। अल्लाह का करम है आमिर भाई, हम सब आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ। और हमारी पूरी फैमिली जो है वो ये प्रोग्राम देख रही होती है। आपकी पूरी फैमिली को मेरा बहुत सारा सलाम जी। आमिर भाई ये आपके, ओहो
अच्छा अब आपने देखा, अब हमने शुरू में इसमें हरी मिर्च डाल दी, ठीक है, अब हम इसमें लाल मिर्च, अब ये कुटी हुई लाल मिर्च हम दोबारा डालेंगे। ये सेकंड टाइम डाल रहे हैं जी आपने, पहली दफा में नहीं डालना है, ठीक है। अभी हमारी बड़ी इलायची रह गई थी तो बड़ी इलायची हमने डाल दी, ठीक है। ये हमारा साबुत धनिया रह गया था, ये हमने साबुत धनिया डाल दिया, ठीक है। ये हमारा अभी नमक, अब हम नमक डाल रहे हैं। नमक क्यों, नमक शुरू में क्यों नहीं डाला, शुरू में पानी होता है, पानी होता है तो वो, अभी भी नमक पूरा नहीं डालना, मैं अभी इतना डाला है, नमक छोड़ दिया। अब जो मेन चीज डल रही है वो दही डल रहा है, ठीक है जी। अब दही अपना पानी अलग छोड़ेगा, उसके बाद फिर हमें नमक डालना पड़ेगा, ठीक है ना। ये देखिए ना, अभी आप ये कीमा बहुत ही, मैं अपनी अम्मी को बना के खिला चुका हूँ। मेरी अम्मी कहती थी कम्बाखत वारे अगर दिल्ली में होता तो तेरे कीमे की दुकान खुलवा देती। हम भी यार आप याद आती है उनको, मैंने आपको खिलाया था ये बनाकर, तो अम्मी कहती तुमने कैसे सीखा है सब बना। मैंने कहा अम्मी हालात ने सिखा दिया। आखिर चले ये अब तैयार हो रहे हैं, एक और कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई। अच्छा अभी आपने देखा इसमें हमने जो दो तीन चीजें डाली अभी बन रही है, जो कीमा बन रहे जी, तेज पत्ता जिसको तेज पात कहते हैं, और ये कितने डालने हैं? ये दो तीन चार आप जैसे चाहे डाल दें। ये खुशबू के लिए होता है वैसे? ये किस चीज के लिए? इसका अपना एक जायका भी होता है, बड़ा अच्छा फ्लेवर भी है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा इसके साथ हम यहाँ पर पीच मिल्क शेक बना रहे हैं विद बनाना एंड कैशू नट्स, इसको भी हम आपको बना सिखा रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए जनाब। डॉक्टर साहब हम तो आपको फॉलो करते हैं, आप जिस मर्जी चैनल पे हो जहाँ पे हो। अरे मेरे प्यारे भाई, वाह वाह मेरे प्यारे भाई, बहुत शुक्रिया। अरे वाह जी जी, और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस चैनल को आप ज्वाइन करते हैं उस चैनल को आप वाकई चार चांद। बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। अरे अच्छी बात कोई करे तुम लोग काट दो, है ना, कोई मोहब्बत की बात करे। मोइस का हाथ फौरन ना पहुंचता है, फौरन मोइस का हाथ वही फौरन पहुंचता है। हंसने की आवाज आ रही है। और अब तो हमूद भी मेरा दुश्मन हो गया है। मिल गए ये लोग सब, सब मिल गए। अच्छा, सबके सब यही काम कर रहे हैं आजकल, इन लोगों का काम ही ये रही है, समझते हैं कि भाई ये देखा कैशू नट डाल दिए। अच्छा आज हमने थोड़ी चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं और शहद नहीं इस्तेमाल कर रहे, ख़त्म हो गया होगा शहद। अच्छा है, हाय 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 मुसलमानों, और ये क्रीम सारा ऑल पर्पस का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रीम, क्रीम देख रही हैं आप, ये भी कितनी रिच है और बहुत ही रिच क्रीम, रिच क्रीम जी। आप अगर जल्दी कोई बना के देगा, मैं अगर किचन किचन मेरे हवाले अगर कर दिए जाए, मेरे ख्याल में आधे घंटे का काम है सारे खाने आपके लिए, फटाफट क्या चीज बन बन रही है ना वाकई। और यही नहीं मिलती, कल भी गिलास नहीं मिला था, बोतल में आ जाता है, बोतल में आ जाता है, ग्लास में आना चाहिए ना जिसमें उन्होंने खुद स्ट्रॉ में अपने लिप्स लगाए थे ताकि कोई ना पियो। अच्छा जी अब क्या हो गया, अब ये मच्छी के बन जाते हैं बदतमीज। हाँ अच्छा, उसके बाद इसमें हमने ये दो तीन, ठीक है ना, ये डाल दिए, चार हो गए सर, चार हो। अब ये एक और खास इंग्रेडिएंट, ये सबसे लास्ट में डलता है ये। हाँ जी कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। ये सब वालेकुम अस्सलाम, आमिर भाई सबाहत बात कर रही हूँ जी। सबा साहब, अरे सबा साहब मैं आपको शायद पहचानता हूँ। नहीं आप मुझे नहीं पहचानते लेकिन आप मुझे किसी और से बात, बहुत अच्छे लगते हैं। अरे नहीं आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ी लाल मिर्ची डाल रहा हूँ। अब पता है क्या, मैं जब फर्स्ट रमजान को मैंने देखा कि आमिर भाई कौन से चैनल पे होंगे, तो मैंने ढूंढना शुरू कर दिया। तो मैंने पूछा बताओ मुझे, क्योंकि आमिर भाई के बगैर रमजान तो नशरियात तो बिल्कुल बेमायने। फिर आपको कैसे पता चला? फिर मुझे बताया किसी ने कि वो एक्सप्रेस जा रहे, मैंने कहा फौरन लगाओ एक्सप्रेस, अब तो बस एक्सप्रेस ही लगता है और कोई चैनल नहीं लगता। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सबकी मोहब्बतें, आप सबका प्यार और आपका एक्सप्रेस लगा कर ये एक्सप्रेस करना, क्या आप एक्सप्रेस लगाती हैं, ये वाकई एक्सप्रेस वाली बात है। तो जी सर, सर शाही टुकड़े बनाना सिखाइएगा। शाही टुकड़े, शाही टुकड़े कल बनाते हैं यार, शाही टुकड़े कल या परसों, परसों शाही टुकड़े हम आपको मीठे में खिलाएंगे। अब यार थोड़ी तो ये शेकों से बाहर निकलो, अब जरा कुछ मीठा बनाओ, कोई पुडिंग बनाओ, कोई हम लोग बैठ के हमें शाही टुकड़े बनाए। मैं बनाता हूँ तो मैं तुम्हें ट्रैफल बनाना सिखाऊंगा, तुम्हें कस्टर्ड बनाना सिखाऊंगा, शाही टुकड़े मेरी तरकीब तुम देखना, तुम लरस के ले जाओगे। अच्छा मैंने आज तक नहीं खाया आपके। नहीं खाया ना? हाँ, शाही टुकड़े आपके बने हुए, लोग डबल रोटियों में भिगो देते हैं उठा के। हाँ भाई सर नहीं होता, इसको बनाना पड़ता है, डबल रोटियां थोड़ी होती हैं, डबल रोटी में दूध में भिगो के शाही टुकड़े खा लो। अच्छा आपने सारी तमाम खवातीन की, जलालुद्दीन अकबर ने बनवाए सबसे पहले,
हिस्ट्री तो खैर पता ही नहीं होगी। बीरबल ने उसको मशवरा दिया था कि असल में अकबर का मूड खराब था बहुत, खाली शायद वो अनारकली के चक्कर में हो गया होगा, वो मूड खराब था। अकबर को असल मसले थे कि अनारकली हमें क्यों नहीं पसंद आई, हमारे शहर हमारे 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 बेटे को क्यों पसंद आई, बेटा एक नंबर का बदमाश आदमी। उन्होंने कहा जी तो उसका मूड बहुत खराब था, दीवार में चुनवा दो। तो उसने इसमें कुछ ऐसा किया, तो उसके बाद शायद उसको अबे वाइंड अप रुक जा भाई, बात खीमा बन रहा है, वाइंड अप मैं बात कर रहा हूँ, ये हमूद भी बोले वाइंड अप कर दे, क्योंकि शहदाद सलीम का जिक्र आया ना, छिछोरा था वो जिक्र है, जहां अपनी पार्टी का जिक्र आएगा बोलेगा बंद कर दो। अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं। तो उसमें ये हुआ कि उसने, अच्छा वो गुस्से में बैठा हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई आप क्या हो गया, आप नहीं मेरा मूड सही नहीं। तो बीरबल ने शाही टुकड़े की तजवीज पेश की के एक ये आपको पता है दिल्ली में चांदी चौक का इलाका है, चांदी चौक में अजरा नाम की खातून रहती थी। कौन? अजरा। ये आपको तारीख कोई शाही टुकड़े की नहीं बताया, अजरा नाम की खातून ने कहा, बीरबल ने कहा मेरी बीवी अजरा के यहाँ जाती है, वो खूब मीठा ऐसा बनाती है, कहती है कि वो खाने में भी आ जाता है, जबान की लज्जत भी और वो जहन को भी सुकून देता है। अजरा के घर गए, हमारी भी अजरा एक आती जी, अजरा के घर गए, अजरा के घर जाकर उसकी बीवी ने उसको लेकर आई, अजरा शाही पकवान के पास गई और उसने बनाना उनको सिखाया कि शाही टुकड़े कैसे बनते, ऐसे आया शाही टुकड़ा। और जैसे मैंने आपको उम्मे अली के बारे में बताया था, उम्मे अली हारून रशीद की बीवी ने सबसे पहले बना खिलाया था, हारून रशीद की कुनियत थी उम्मे अली। मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि सब जो भी हम खाने पकवान बनते हैं हमारे हैं, उनकी एक हिस्ट्री है लेकिन हमें पता नहीं होती। कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं किंजा बात कर रही हूँ आमिर भाई कराची से। हाँ जी किंजा, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है ठीक। आमिर भाई आप मेरे बहुत फेवरेट हैं, बहुत ज्यादा, और यकीन करें इससे पहले भी एक कॉलर आई, उन्होंने यही बात कही कि वो चैनल ढूंढ रही होती कि किस चैनल पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मेरा भी यही हाल है बिल्कुल, आपके बगैर कोई भी नशियात काम की नहीं है, जिस चैनल पे आप हो वही मैं देखती हूँ बस। बड़ी मोहब्बत आपकी, बड़ी मोहब्बत। ये मैं बस अब आपको ये मैं अभी बस ये शेक निकाल रहा हूँ, कीमत तैयार हो चुका है, तो मैं इसको निकालूंगा और ताकि ये आप लोग देख सके। वाह 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 क्या शेक बने, ओहो हो ओहो ओहो हो, रिचनेस देखें, रिचनेस देखें, क्रीम देखें, क्रीम देखें, कलर देखें, गिलास देखें, उसके ऊपर रंग देखें, उसमें शेक देखें, देखें देखें कमाल देखें, बस ये आ गया ये। और देखो इसको कोई इस्तेमाल ना करे, ये सब मैंने कर दिया है, ये सिर्फ हम से मेरा है। आप कोई इस्तेमाल करें, देखे जो करेगा भाई आजकल के दौर में आप कर ही नहीं सकते। तो अब ये मैं कीमा निकालने वाला हूँ, दो मिनट में वही साहब और हमू साहब, बस दो मिनट में, ठीक है जी? टाइम है अभी, दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ मुसलमानों। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ओफो ये खुशबू है, इसको कहते हैं महक जी, पूरे स्टूडियो में सब फैली हुई है। बस ये दो मिनट पानी खुशबू जाएगा, दो मिनट में हम दोनों बातें करें प्यार मोहब्बत की। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताएं और क्या क्या किया जाए। मैं तो सुबह उठ के तैयार होकर आ गई, कितना याद किया, बहुत याद किया। अच्छा, अच्छा। जैसे ही आप घर से निकले मैंने आपको मिस करना शुरू कर दिया है। अच्छा अच्छा, मैं कितने याद आया, बहुत। अच्छा आपका दिल चाह के आप जल्दी से आ जाए जी, तो फिर मैं तैयार होकर आ गई। मेरा भी मैं भी आपको बहुत देर से इंतजार कर रहा था, कब आप ट्रांसमिशन में सब मुझे याद। मैं असल में ये भी सोच रहा था कि आपको आज जो हिना ने कपड़े दिए आपने पहनेंगी तो कैसे, हिना के कपड़े? जी 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 बिल्कुल, हिना की, हिना का डिजाइन बता दीजिए ना, ये बीच पाकिस्तान का है जोड़ा। हाँ। और बहुत और, बहुत खूबसूरत है, अच्छे से इसमें शीशे लगे हुए, मैंने आपके कपड़ों में शीशे देखकर आज से सोच लिया मैं घर के सारे शीशे तोड़ दूंगा, लगा दूंगा इसी में देख के बाल बनाऊंगा। मैं जैसी एंटर हुई तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि मैं जो हूँ वो आपके शीशों में अपने बाल बनाऊंगा। चलो भाई एक मिनट रह गया बस, हम लोग अभी गिनती शुरू करेंगे अपना रिवायती तरीके से और उसके बाद फिर हम ये। अच्छा इसमें आपको जो मजेदार बात है वो ये कि ना आपको इसमें ज़्यादा मिर्चें लगेंगी, क्योंकि इसमें सारे हमने गरम मसाले जो कि खड़े मसाले होते हैं वो डाले, आखिर में जब आपका पकने वाला हो तो ये मैं आपको टोटका बता रहा हूँ जिसके से आएगा, ये दालचीनी आपने लेनी, दालचीनी लेके आपने तोड़नी है। ओके। और ये तोड़ कर आपने कर देनी है, और अब मैं आपको जब गिनती गिनूंगा उस गिनती तक ये अंदर रहेगी, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18,
19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Done? All done? अब जरा खुशबू सुन ले। आई कमाल की। All done. ये होता है कमाल। अच्छा पूरा हमारा स्टूडियो महक रहा है इस वक्त खुशबू से। अब ये डन हो गया। अब इसको निकालने से पहले 20 हम शुरू होंगे। अब निकाल लें। जी। अब वो वाला जो खुशबू लाना था वो आ गई। ठीक है। 20, 20, 19, अच्छा आप काम करें। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो गया। वाह बहुत, मैं तो समझी एकदम काम हो गया था। नहीं, नहीं 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 भाई ये सब सिस्टम है। उफ़ो खुशकी देख रहे हैं आप? हाँ खुशकी देखो मुसलमानों, ये देखो, मत देखना तुम लोग, जलो जलो। कितने लोगों का दिल चाह रहा होगा कि वो भी खाएं। अच्छा इसका निकालने का भी ना एक अंदाज होता है, देखो जी कि अब क्या करते हैं लोग, निकाले जा रहे हैं, निकाल दे, सजा सजा के निकालते हैं, ऐसे थोड़ी निकालते हैं। ये देखिए आप, ये साबित हा? लाल मिर्च कितनी हसीन, और ये देखिए साबित लाल मिर्च अभी तो और आएंगी, ये देखिए ये आ गई और एक आ गई, ये यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। ओ खुदा की कसम, वाह वाह वाह, इससे और कलर आ गया इसमें। नूरे सहर की ताबिशे इफ्तार की तैयारियां, चेहरे खिले मुस्कान से बहरे जिया, प्यारा रमजान वफा ले लो, वफा ले लो, वफा ले लो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, एक मरतबा फिर आपको प्यारा रमज़ान शरीयत में खुश आमदीद कहते हैं, इफ्तार आमिर के साथ, और यह है प्यारा अंदाज़ नेकी। नाज़रीन मोहतरम, आज एक अजीम खातून के घर मैं आपको लिए जा रहा हूँ। ये एक अजीम खातून ऐसी भी हैं जो तमाम ख़वातीन अजीम होती हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी मेहनत कश ऐसे होते हैं, आज वैसे भी मेहनत कशों का आलमी दिन है, लेकिन वो शिकागो में मजदूर मरे थे अमेरिका में, तो उनके तौर पर मनाया जाता है। हमारे यहाँ तो मेहनत कशों का आलमी दिन हदीस पाक है कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो, इसको कहते हैं मेहनत कशों का आलमी दिन। रसूलुल्लाह बहुत पहले कह गए कि मज़दूरों के लिए क्या करना है क्या नहीं करना। इसी तरह जितने अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम आए उन्होंने यही तलखीन की कि मेहनत कश मज़दूर दहकान काम करने वाले, चाहे वो मसीहुल्लाह हों, चाहे वो कलीमुल्लाह हों, चाहे वो नजीउल्लाह हों, चाहे वो सफ़ीउल्लाह हों, चाहे वो हबीबुल्लाह हों, ये सारे अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम ये दर्स देते रहे कि मज़दूरों के साथ नरमी के साथ पेश आए। और कहते हैं कि भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है, और ये भी कहते हैं कि एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। तो हालात भी कुचल देते हैं और आलात भी कुचल देते हैं, तो एहसास मुरव्वत ख़त्म हो जाता है। आज मैं अपने पाकिस्तानी मेहनत कशों पर एक फ़ख्र का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन एक नाज़ करता हूँ कि वो भूखा रहना तो पसंद कर लेते हैं, लेकिन लुक़्मे हराम से पेट की दोज़ख़ नहीं भरते।
अच्छा पेट की दोजख को मैं इसलिए कहता हूँ कि पेट में दोजख नहीं होती। जब हम ये लफ्ज़ लिखते हैं या जुमले कहते हैं तो गलत कहते हैं, जहन्नम तो जहन्नम है, पेट की भूख असल में दोजख इसलिए कहता हूँ या मिसाल इसे देते हैं कि कभी कभार ये पेट गुनाह करवा देता है जहन्नम में जाने के लिए, ऐसे गुनाह करवा देता है कि ये फिर पेट दोजख बन जाता है। इसकी भूख की वजह से आप ऐसा काम कर जाते हैं कि जो अल्लाह को नहीं पसंद होता और आप जहन्नम के एक दावेदार बन जाते हैं कि यही तो दावा है मेरा कि मैं ही जहन्नम में जाऊँ। तो मैं पाकिस्तानी औरत को भी यहाँ सलाम पेश करता हूँ कि जो अपना मेहनत करती है, काम करती है। आज लुबना यहाँ पर आई, लुबना की क्या कहानी है, क्या दास्तान है, आइए पहले आपको लुबना की कहानी सुनाते हैं, देखते हैं।